इससे पहले साहिल राहुल ने दाद से फॉर्चून और किशने का एक रिकॉर्ड किया था, जो हम लोगों ने इससे पहले की वीडियो में देखा। आज हमें ये दिखा रहा है कि दाद के जरिए हम कैसे नारियल को छील सकते हैं। इजी अगर आपके टीथ की ग्रिप बहुत अच्छी है तो आप ये काम आराम से कर सकते हो। बस आपके जो टीथ है बहुत स्ट्रांग होने जरूरी है और जैसे हम लोग देखते हैं बहुत बार कि लोग कोई भी कोल्ड ड्रिंक का सॉफ्ट ड्रिंक का बॉटल जो है जिसका ऊपर का ढक्कन जो है दांत से खोलते हैं, ये सारी चीज़ें थोड़ी तो रिस्की होती है, बट अगर आप शक्तिशाली हो तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। और दूसरी बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा हर मार्शल आर्टिस्ट को कि जब आपका एक अच्छा समय होता है प्रैक्टिस का, या तो आपके बॉडी के अंदर अच्छी ताकत है, सारे रिकॉर्ड आपको तभी और उसी वक्त कर लेने चाहिए, क्योंकि किसी भी एक स्पोर्ट्स पर्सन का एज के साथ बहुत बड़ा रिलेशन है। आप कितने भी फिट रहो लेकिन फिर भी एक समय के बाद आपका फिटनेस जवाब देता ही है, तो बेटर है आप जब फिट हो उसी वक्त आप आपके सारे रिकॉर्ड्स जो है बना करके रख दो, ताकि आगे चल करके आपको ये बात किसी को प्रूव करने की गरज नहीं है कि आप क्या थे। और अभी तक 3 मिनट 40 सेकंड हो चुके हैं और थोड़ा सा ही नारियल छीलने का बाकी है। गुड साइन, कम ऑन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सिर्फ 3 बाइट में अभी तुम पूरा नारियल छीलने के चांसेस लग रहे हैं मेरे को। आराम से, मुंह को इंजरी मत करा के लो। क्या होता है जब भी हम छीलते हैं तब हो सकता है कि आपके टंग के आसपास इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं। आपको अगर दुनिया को प्रूव करना है कि आप ताकतवर हो तो आपको करना ही पड़ेगा। और वैसे भी एक मार्शल आर्टिस्ट क्या नहीं कर सकता, क्योंकि एक मार्शल आर्टिस्ट के अंदर बहुत ज्यादा विल पावर होता है और ये विल पावर उसे वो हर चीज करवा सकता है उसके पास से, जो चीज़ें आम इंसान के लिए इम्पॉसिबल लगती है। एक लास्ट बाइट, आराम से,
गुड साहिल, आराम से आराम से। एक आखिरी बाइट। मैं ये नहीं कहता कि इंजुरी नहीं होगी, जरूर होगी, क्योंकि इतना बड़ा नारियल छीलना कोई आसान बात तो है नहीं। तो ये कम ऑन क्लैप्स। बहुत बढ़िया साहिल, बहुत बढ़िया। गुड साहिल, गुड गुड गुड। यस, काफी काफी। यस यस, ये था साहिल राहुल का एक नया डेमोन्स्ट्रेशन जो उसने काफी आसानी से पूरा कर लिया। हमें लगा था शायद से उसके मुंह में कोई इंजरी हो सकती है, लेकिन उसने बिना इंजरी से ये पूरा नारियल छील के दिखाया है। तो इंडियन मार्शल आर्ट फेडरेशन हमेशा इस बात पे, उसके हर डेमो के ऊपर प्राउड करेगी। थैंक यू वेरी मच।